डिंपल वेजी किचन में आपका स्वागत है। आज हम टमाटर वाली भिंडी बनाएंगे। तो हमने फ्रेश भिंडी ली है, अब हम इसको कट कर देंगे। हमें इसको इस तरह से कट करना है, दोनों साइड से इसके टिप निकाल देंगे और बीच में से इसको इसे चीरा लगा देंगे। इस तरह से सारी भिंडी को हम कट कर लेंगे। कट कर लिया है, अब हम एक टमाटर लेंगे। हमने ये इतनी भिंडी ली है तो इसमें एक टमाटर काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा भिंडी लेते हैं तो आपको ज़्यादा टमाटर लेना पड़ेगा। अब हम इसको बारीक कट कर लेंगे। हमने क्रश करी हुई लहसुन ले ली है, हमें इसमें बहुत ही कम सामग्री का यूज करके बहुत ही अच्छी सब्जी ये बनेगी। सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें तेल डालेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें हींग डालेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें हींग डालेंगे और अब हम इसमें राई डालेंगे। जब राई अच्छे से चटक जाए तब हम इसमें जीरा डालेंगे और इसको अच्छे से हिला देंगे। और जो हमने क्रश करके लहसुन रखी है अब हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से भून लेंगे। हमें इस लहसुन का कलर चेंज नहीं करना है। जब लहसुन का हल्का सा कच्चापन निकल जाए तब हम इसमें भिंडी डाल देंगे और लेडी फिंगर को ऐड करने के बाद हमें इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और नमक हम इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और कम सामग्री में तैयार हो जाती है। अब हम इसके ऊपर एक थाली ढक्कन लगा देंगे और उसके ऊपर हम पानी डाल देंगे। 2-3 मिनट बाद हम अपनी ये भिंडी की सब्जी को एक बार चेक कर लेंगे और ढक्कन लगा के रख देंगे। इसको लो फ्लेम पे रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम का यूज करना है। अब हमने भिंडी के ऊपर से ढक्कन हटा दिया है और हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही होने देंगे। जो इसमें थोड़ा सा पानी का रेशा आया है तो वो निकल जाएगा। भिंडी फ्रेश होगी तो ये फटाफट तैयार हो जाएगी। अब अपनी भिंडी की सब्जी में से तेल अलग होने लग गया है। जब तेल अलग हो जाए तब हम इसमें धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। ये आप अपने जितना तीखा आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको 1 मिनट तक और भून लेंगे और फिर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अगर आपको हमारी भिंडी की सब्जी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ये सब्जी को एक बार घर पे ज़रूर से ट्राई करें, आपको ये सब्जी बहुत ही पसंद आएगी।